आईना देखकर ये तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। नमस्ते एंड वेलकम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये लाइंस मैंने इसलिए कही क्योंकि आज का वीडियो मिरर या आईने के ऊपर ही है, पर जब आपका मिरर क्रैक हो जाए या ख़राब हो जाए तो कोई भी प्रेफर नहीं करता कि उसे यूज़ करें। एंड आई एम श्योर ओल्ड मिरर का ऐसा यूज़ आपने यूट्यूब पर पहले कहीं नहीं देखा होगा, तो वीडियो को पूरा देखें। बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस DIY के लिए आप कोई भी पुराना या हल्का फुल्का क्रैक्ड मिरर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये पुराना स्टेन्ड मिरर पड़ा था, इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं वाइट स्पॉट है। मैंने काफ़ी कोशिश की ये निकल जाए बट ये नहीं निकल पाए, तो इसका मैंने DIY करने की सोची। DIY के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोई भी प्रिंट आउट जो आप इस पर डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे आप ये देखिए, मैंने प्रिंट आउट लिया और इसको अच्छी तरह से फाइनली कट किया और अब मैं इसको मिरर के सेंटर में प्लेस करूँगी। उसको मैंने साइड से टेप से सिक्योर कर लिया है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। नेक्स्ट हमें चाहिए कलर्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैं ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ, मैं गोल्डन ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इस कलर को हमें इसमें फिल करना है, तो अब हम यहाँ लेंगे स्पॉन्ज। आप ब्रश बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि ब्रश से ब्रश स्ट्रोक्स आ जाते हैं और फिनिशिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप जब भी यूज़ करें तो स्पॉन्ज की हेल्प से आप करें। चाहें तो आपको दो तीन कोट्स कर सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप ऑयल पेंट यूज़ करेंगे तो एक कोट सफिशेंट होगा। एक बार जब आप कलर फिनिश कर लें तो आप इसको सूखने के लिए छोड़ दें, ये अपना टाइम लेता है। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑयल पेंट यूज़ किया है तो एटलीस्ट 2 घंटे इसको चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर और जितना बाकी बचा पोर्शन यहाँ देख रहे हैं इसको मैं फिर से स्पॉन्ज की हेल्प से यहाँ पर अच्छी तरह से इसको फिल करूँगी। एक बार कलर होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। और अभी मैंने फिर थोड़ा सा गोल्डन कलर लिया है और इसको ब्लैक पोर्शन पे मैं थोड़ी सी गोल्डन हिंट दूंगी। इसको कलर करने के बाद एक बार फिर से आप इसको सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तभी आप ये टेप रिमूव कीजिएगा। मैंने थोड़ी जल्दबाजी की और उसका थोड़ा सा मुझे हर्जाना भुगतना पड़ा, बट आप प्लीज़ इसको एक बार अच्छी तरह से सूखने दीजिएगा। उसके बाद ही इसकी टेप और ये जो हमने इस पर कटआउट लगाया था उसको हटाइएगा। अब जो ये आप खाली हिस्सा देख रहे हैं इसको एक बार हम फिर से पेंट करेंगे। मैं यहाँ पहले ब्लैक कलर से इसको फिल करूँगी। अब मैं यहाँ पर फेविक्रिल के 3D हाइलाइटर यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट की बाउंड्री क्रिएट करूँगी। अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट कलर्स या एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपके पास फाइन ब्रशेस होनी चाहिए। सो दिस स्टेप इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम डिज़ाइंस बना दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। एक बार फिर मैंने हाइलाइटर यूज़ करते हुए अंदर के डिज़ाइन को डिफाइन किया है। आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हाइलाइटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है।
इसके एंटायर लुक को थोड़ा और एनहांस करने के लिए आप कुछ मिरर्स इसमें लगा सकते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज़ के। मेरे पास स्टॉक में जो कुछ भी डेकोरेटिव पीसेस पड़े थे मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं और ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इस मिरर का मैंने बैक साइड और फ्रेम्स संभाल के रखे हुए थे, वो कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थे बट उनको पेंट करके मैंने ठीक बना दिया। अब आप देखेंगे इसके चारों तरफ इसको गोल्डन टेप से डेकोरेट कर दिया है और अब इसके वापस इसको फ्रेम में लगा देंगे एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। At its first glance, no one would recognize that it was an old mirror. Do you know someone who has a few old mirrors that they have been hoping to reuse, but they haven't had any luck deciding on how to do it yet? Help them out by sharing this video. Thanks for watching. Stay tuned for our next upload. Till then, bye-bye, take care and stay safe.